हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सौर मंडल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पृथ्वी की बात कर रहे थे, जिसमें पिछला पार्ट में मैंने आपको पृथ्वी से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी थी, जैसे इसका घूर्णन दिन और रात कैसे होती है, अप सौर उप सौर और बहुत से जानकारी दी थी। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ ऊपर चेक करें, आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज के वीडियो में आपको पृथ्वी के और बहुत सारे रोचक तथ्य बताता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। पृथ्वी एक संस्कृत शब्द है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराज पृथु पूरे विश्व के महाराजा थे, तो उन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया है। पृथ्वी को अन्य बहुत सारे नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे अर्थ, लैटिन में इसे टेरा, तुर्की की भाषा टर्किस और उर्दू में इसे जमीन, जापानी भाषा में सूची, हिंदी भाषा में इसे धरती आदि बहुत सारे नामों से संबोधित किया जाता है, लेकिन सारे भाषाओं में इसका अर्थ लगभग समान ही होता है। इस सोलर सिस्टम के आठों ग्रहों में पृथ्वी ये एक ऐसी ग्रह है जिसका कि नाम किसी रोमन देवता पर आधारित नहीं है। बाकी सारे ग्रहों के नाम किसी न किसी रोमन देवता से संबंधित जरूर है। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस या अर्थ डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में अमेरिका से की गई थी। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, ध्रुवों पर यह थोड़ी चिपटी हुई है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे निकटतम बिंदु की बात करें तो प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना खाई है, जिसकी समुद्र तल से गहराई 10,911 मीटर की है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों में विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीन प्रधान अंग है, ऊपरी सतह भूपर्पटी, मध्य सतह मेंटल और आंतरिक सतह धात्विक क्रोड से मिलकर बनी हुई है। भूपर्पटी या क्रस्ट की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर के बीच है। मेंटल की मोटाई लगभग 2895 किलोमीटर है, जबकि आंतरिक भाग क्रोड जिसकी त्रिज्या 1255 किलोमीटर की है। पृथ्वी की संरचना में बहुत सारे तत्वों का योगदान है, जैसे आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, टाइटेनियम इत्यादि। इसमें सबसे अधिक योगदान आयरन का है। ये तो हमने जान लिया कि हमारी पृथ्वी की अंदरूनी बनावट कैसी है और इनमें किन किन तत्वों का योगदान है। अगर बात करें इसके ऊपरी वातावरण की तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से एक विशाल गैसीय आवरण से ढका हुआ है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान पर वायु रहती है उसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण पाया जाता है। ये मिलकर एक विशाल गैसीय आवरण बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.93%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैस नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनोन, ओजोन, मीथेन आदि गैस पाए जाते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 5% तक होती है। वायुमंडल गर्मी को रोककर रखने में एक विशाल कांच के घर के समान कार्य करता है। सूर्य की लघु तरंगों और विकिरण को पृथ्वी के धरातल पर आने देता है, परंतु पृथ्वी से विकसित होने वाले तरंगों को बाहर जाने से रोकता है, जिससे धरती का तापमान सामान्य बना हुआ रहता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों और जलवाष्प के अलावा धूल कण, खनिज कण, पराग कण, ज्वालामुखी राख कण और अंतरिक्ष से आए छोटे कण भी शामिल है, जिसके सहारे जलवाष्प एकत्रित होते हैं जो बारिश में योगदान देते हैं। अगर आपने बारिश से रिलेटेड जानकारी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है। तो
इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आपको इसके वायुमंडल के संरचना के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।